स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। दोस्तों, ये जो सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं, ये हैंगिंग प्लांट है और ये शेडी एरिया में काफ़ी सुंदर ग्रो करता है। और मैंने इसे देखे एक छोटा सा बकेट में लगाया है और ये समर के सीज़न में काफ़ी अच्छा बूशी और घना हो जाता है और बरसात के सीज़न में, और इसे कटिंग से आसानी से आप उगा सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये है मेरा बेबी टीयर्स और इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं और दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं और इसे भी शेडी एरिया काफ़ी अच्छा पसंद है। और उसी के बगल में आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, पुदीना की तरह पत्ते हैं, इसे चार्ली क्रीपर कहते हैं। और ये सभी प्लांट सालों भर एवरग्रीन रहते हैं और ये एक टर्टल वाइन है, उसी का वेराइटी है। और समय समय पर आप इसकी हल्की हल्की ट्रिमिंग कटिंग करते रहिए तो काफ़ी अच्छा रहते हैं। ये देख रहे हैं, मैंने ज़मीन में लगाया एक्सोरा रुकमणी, रेड कलर का है, और इसे भी कटिंग के माध्यम से काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं। और उसी के बगल में ये ऑरेंज कलर का गुड़हल है और इधर मेरा देखिए हाइब्रिड गुड़हल है, रेड कलर का है, और उसी के नीचे ये ऑरेंज कलर का टिकोमा है और बगल में एक और एक गुड़हल हिबिस्कस है। और सॉइल की बात करें तो हमेशा सैंडी सॉइल इस्तेमाल करें, आधा भाग खाद, आधा भाग गोबर की खाद, आधा भाग कोकोपीट, आधा भाग सैंड मिलाइए और 12 इंच के गमले में आप उसे लगा दीजिए। और समय पर सप्ताह सप्ताह पे आप उस पर कुछ भी फर्टिलाइज़र ऊपर से ऐड करते रहिए और सप्ताह सप्ताह प्लांट्स की देख केयर में, जैसे कि सूखे पत्ती, सूखी टहनियाँ इत्यादि को आप काट छाँट करके हटा दें। और समय समय पर आप इसे कटिंग वगैरह करते रहिए तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। जिस तरह पौधे को हल्की छांव पसंद है, उसी तरह पौधों की हल्की धूप भी पसंद है, तो इससे पौधों में कम रोग होते हैं और पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, इसमें देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कलियां और बड़े बड़े कलियां बनी हुई हैं। और हमेशा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट देता हूँ और कुछ टाइम में इसमें धूप आती है, कुछ टाइम इसमें छांव आती है। और ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट, और ये सन लविंग नहीं, शेडी एरिया का प्लांट है, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये सुलझ जाएंगे। इधर कुछ मैंने पोट में कुछ प्लांट लगाए हैं, ये देखिए मेरा, और सभी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिए हेलिकोनिया,